दृष्टि में से जो वर्तमान परिस्थिति है, जो समस्याएं हैं, जो समाज को जो शासन करने के हमारे जिम्मे दायित्व तो लगा है, उसमें इन समस्याओं का हल क्या है, उसमें क्या हम नया कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, ये बात भी मन में रखनी है। क्योंकि मोदी जी को भी बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आते रहते थे, तो उन इनोवेटिव आइडियाज का जब हम चर्चा करते थे उनसे, क्योंकि मेरा मोदी जी के साथ बहुत पुराना 1996 का संबंध है, जो कंप्यूटर का जिक्र किया वो उस पहले साल का ही जिक्र है जब उनका हमारा संबंध है। उस समय 5 साल हमने इकट्ठे काम किया, तो कभी कभी मैं पूछ लेता था ये एक विषय ऐसा कर लें क्या, तो कहते थे पूछा क्यों। मैंने कहा इसलिए पूछा कि मन में विचार आया है, करने के बाद कुछ गलत हो गया तो आप कहेंगे कि क्यों गलत किया, पहले पूछ के ही करते हैं। कहले गलत होने के बाद दोष मेरे ऊपर पड़ दोगे कि हाँ तुमने हाँ की थी, तो क्या करें कि अपने मन से पूछो, अच्छा है तो कर डालो, सफल होगा तो आगे बढ़ जाएंगे और नई सफलता मिलेगी, छोड़ के हट जाएंगे, कौन सा कोई बंद थोड़े जाएंगे उसमें। लेकिन अपने आप विचार ये करना चाहिए, ये अच्छा काम है, ये ठीक काम है, समाज हित के, प्रदेश हित के, देश हित के अंतर्गत ये काम आता है। तो ऐसे विचार बहुत पहले से मन में आते थे। शासन की व्यवस्था जैसे मिली, जैसा राकेश जी ने बताया कि ये नए हैं, मैंने कहा मैं भी नया हूं और मिलके सीखेंगे, उसी में से क्या कर सकते हैं। मुझे याद है लगभग 1 महीने बाद नवंबर में एक मुझे जानकारी किसी बहुत हमारे जो समर्थक थे, वेलविशर थे, उन्होंने दी कि हरियाणा में पॉलिसी पैरालिसिस है। अब हमको ये पता नहीं था कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन सी नहीं है, पैरालिसिस है तो क्या है। हमारा अनुभव था केवल समाज की सेवा, समाज में समस्याएं क्या है इसका तो अध्ययन था, लेकिन इसको हल कैसे करना है, क्या उसकी पॉलिसीज है, क्या सरकारी सिस्टम है। और जब कभी हम कुछ बात बताते थे तो कुछ अधिकारी कह देते थे कि ये तो रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ये पॉलिसी नहीं है, ये नियम नहीं है। कई बार सुनते सुनते मुझे लगा कि ये अच्छी बातें हैं कि हमारे करने का तो जो हमको एक मिलना चाहिए स्वतंत्रता आजादी, वो मिलती ही नहीं है इनके माध्यम से। तो तब उनको मुझे कहना पड़ा कि नियम कौन बनाता है, कि नियम तो आप हैं, सरकार है, आप बनाते हैं। तो मैं उनको कहता था कि दीज रूल्स आर रेगुलेशंस फॉर अस, वी आर नॉट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी आर नॉट फॉर इट। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं समाज हित के लिए, देश हित के लिए, लोक हित के लिए, वो बनाएंगे, आप बताओ कैसे करना है। कहानी लंबी इस तरह चलते चलते, और फिर उसमें से जब ये विषय आया कि हमको प्रशासन के अलग हट करके भी कुछ सहयोग लेना चाहिए, तब ये शताब्दी की बात आई कि क्यों नहीं एक हम सीएम फेलोज, उसमें सीएम फेलोज का इनाम आया था। मैंने कहा और कहाँ कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया, चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ, मैंने उसका अध्ययन करो। और मुझे आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उनका सीएम फेलो का जो सिस्टम है वो 1.5 साल चला, उसके बाद वो भी नहीं चला। तो मित्रों ये जो विचार आया है, ये सब विचार जो आया और सीएम जीजे के नाते से आप लोग जो आज यहां बैठे हैं, ये एक इनोवेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था कि हम प्रदेश के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन उस अच्छा करने के बाद आज अनुभव हो रहा है 7 साल के बाद कि केवल कोई हमने सीएम जीजे का एक ग्रुप खड़ा कर लिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपस में तालमेल, सामंजस्य, विचारों की जो एक स्पष्टता और जो काम करने की हमारी पद्धति, उसमें से अब एक संस्था रूप में खड़ा हो गया है। और मैं तो संस्था नहीं बल्कि समझता हूं पूरा परिवार बन गया है। बहुत विषय भावनात्मक तरीके से भी रखे गए यहां, हालांकि मुझे एक चीज अच्छी लगती नहीं है, फिर भी कभी ना कभी कठोर होकर सुननी पड़ती है। मुझे अपनी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती है कभी भी, और इसके सबसे बड़ी दोषी मोहित है। तो ये सारा क्रम जब आगे बढ़ा, उसमें से हर दिन
जो आपने नई नई चीजें निकाल करके दी, ठीक है, उसका शीर्षक शायद तय किया गया होगा, यहीं से तय किया गया होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने ये काम दिया, लेकिन इसको सफल कैसे करना है, सेम विंडो, इसको सफल कैसे करना है, पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से तालाबों को कैसे सफाई करनी है। तो आज मैं कह सकता हूं कि मेरे उस सिखलाई के टाइम पीरियड में अधिकारियों का अपना उपयोग रहा होगा, विपक्ष का अपना उपयोग रहा होगा, मीडिया का अपना उपयोग रहा होगा, लेकिन सीएम जी का भी बहुत बड़ा उपयोग हुआ है। अब सीएम जी आज अपना एक प्रकार से एक कन्वोकेशन कह लें या कुछ भी कह लें, ये हो रहा है। ये सीएम जी का तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे अमित जी ने कैसे कहा कैसे नहीं कहा, मेरे से कोई बात नहीं हुई अभी, क्योंकि नई व्यवस्था अब इनके जिम्मे ज्यादा है, मेरे जिम्मे उतने नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सीएम जी का भले मान लो अगर कहीं आज आखिरी भी अगर हो, लेकिन आज हमारी शुरुआत किस चीज की है, वो एक्स सीएम जी की है। अब इसमें भी एक प्रश्न है, ये एक्स किसके लिए है, आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, क्योंकि अब मैं अपने आप को एक्सीएम कह ही सकता हूं, तो इस एक्सीएम के आप गुड गवर्नेंस एसोसिएट जरूर रहेंगे। क्योंकि बहुत लोग काम आज कर रहे हैं, सरकार में भी कर रहे हैं, मुझे तो अभी पिछले दिनों में मंत्रालय में मैं अपने कार्यालय से बाहर निकला तो मुझे एक सीएम जी गौरव कुमार बैठे हैं और ये बैठे हैं, कह लगे मैं सीएम जी हूं, मैंने कहा अभी वो सीएम जी थे आज कहीं और काम कर रहे हैं, लेकिन सबके साथ नाम के साथ सीएम जी जुड़ गया है। और ये सीएम जी जुड़ने का हमको तो गौरव होता ही होता है, गर्व होता ही होता है, लेकिन बाकी जगह भी बहुत जगह से समाचार मिलते हैं हमको कि आप क्या हैं सीएम जी क्या है। मैंने कहा सीएम जी हमारी कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल एकदम प्राइवेट भी नहीं है, ये अर्ध सरकारी है, जैसे एनजीओ होता ना। बहुत से प्रश्न जब शुरू हुए ये सीएम जी का कार्यक्रम, तो जैसे बताया कि कई तरह की शंकाएं, कई तरह के प्रश्न, कई तरह की कठिनाइयां, विपक्ष के लोगों ने भी हमला करना शुरू कर दिया, बताइए आपने सीएम जी कैसे रखे हैं। मैंने कहा कौन से सीएम जी की बात कर रहे हैं, कि सब डीसी ऑफिस में बैठ रहे हैं हम सारे। मैंने कहा वो सरकारी आदमी नहीं है, आपको पूछने का अधिकार नहीं है। कहले सरकारी नहीं तो कहां से आए हैं। मैंने कहा मैंने अपनी व्यवस्था बनाई है जो मेरी सहायता करेंगे सहयोग करेंगे, हमको बहुत कुछ समाज में करना है और इसका कोई बजट से पैसा आता नहीं है, कोई भी इसका हम सरकार के ऊपर वजन नहीं डालते हैं, छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं वो तो हम किसी को भी कहेंगे उसको व्यवस्था मिल जाएंगी, लेकिन इसका सारा जो इसको आगे बढ़ाने का चलाने का श्रेय ये हमारे डोनर्स पर है। अगर डोनर्स ना होते तो जैसे पौधा होता ना, पौधा लगाया जाए, लगा तो देते हैं, बाद में उसे पानी ना डाला जाए तो पौधे की क्या हालत होगी, सूख जाएगा। तो उस पौधे को फलने फूलने के लिए खुराक चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, सब चाहिए। तो मैं धन्यवादी हूं, आभारी हूं अपने डोनर्स का कि इन्होंने अपने सीएमजीजी प्रोग्राम को इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको पुष्ट करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए और हमेशा अपनी ऑफर को सामने रखा, हमने उनका उपयोग किया। हाँ, एक बात मैं जरूर डोनर्स को कहूंगा कि हो सकता है ये सीएसआर वगैरह इन्होंने बंद करवा दिया हो, लेकिन सीएसआर संभाल के रखना, कहीं और लगाएंगे कहीं समझोगे हमारा बच गया। ये समाज का काम है, सीएसआर का मतलब ये है क्या, सिविल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस नाते से हम काम कर रहे हैं। और सीएम जी की नौकरी नहीं थी,
एक साल का ऐसा प्रोग्राम था कि जिसमें हमें भी बहुत कुछ सीखने का, आत्मविश्वास की बात कही गई, ट्रेनिंग की बात कही गई। हम भी शायद जब हमने फॉर्म भरा होगा, अप्लाई किया होगा, उसमें सिलेक्शन हुआ होगा, 1% सिलेक्शन कितना एक हार्डशिप उस सिलेक्शन में है। और मैं सिलेक्शन के नाते से एक बात ध्यान कराता हूं कि हमने जैसे मेरिट पर नौकरियों की बात कही थी, वैसे सिलेक्शन इसकी भी मेरिट पर हुई है। कभी भी हमारे पास पुलिन सिंह के लिए धनपत सिंह जी नहीं आए, एक सीएमजी जी ऐसे हैं कि जिनका मेरा पारिवारिक संबंध उनके जन्म से भी पहले है, आपको शायद नहीं पता होगा, कौन? करण है। करण इलाहाबादी के घर में इनका तो जन्म शायद हुआ होगा कहीं 94 में, और मेरा इनके घर में आना जाना है 83 से, पारिवारिक संबंध हमारे। लेकिन जब सीएमजी जी बन के आ गए तब मुझे पता लगा, अरे आप बहादुरगढ़ के करण इलाहाबादी यहां आ गए कि हाँ जी मैं सिलेक्ट हुआ। तो ये भी एक अपने आप में बहुत लोगों के आती थी, सिफारिशें आती थी, सब लोगों के बायोडाटा लोग भेज देते हैं कि आपके यहां